कोविड-19 की वजह से जो यह माहौल बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी वो अपने आम लोगों से मिल नहीं पा रही थी, विचार विमर्श नहीं हो रहे थे, तो उसी कड़ी को इन्होंने बढ़ाते हुए एक डिजिटल रैली का आयोजन किया था, जो कि 14 जून को आज के दिन 11 बजे रखा था। तो हम सब मिलके उसी रैली को जो लाइव देख रहे थे, हमारे साथ हमारे मंडल प्रधान मीरा साहब, हमारे एक्स सरपंच राजू जी, हम सब यहाँ मिलके उसी रैली को देख रहे थे। सर, कितने लोगों ने इस रैली को सुना है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था कि यहाँ पे जन जब इकट्ठे होते थे तो इतनी तादाद में नहीं होते थे, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास, आज कम से कम भी 10 लाख प्लस लोगों ने इस रैली को लाइव देखा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आगे आगे डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो ये जो जितने भी रैलियाँ होंगी अगर इसी के तर्ज पे होंगी तो इसमें गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन रैलियों को देख सकेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का। इसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ अपनी लीडरशिप को जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कश्मीर के बारे में जो पीछे मोदी लेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल्ड स्टेप लिए थे, जैसे कि धारा 370 का हटना, 35A का हटना, डोमिसाइल लॉ, उनके बारे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज जितने भी POK रिफ्यूजी जो फैमिलीज, तकरीबन 5300 फैमिलीज जो बाहर के स्टेट्स में बसी हैं, वो तहे दिल से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान करती हैं, उनको सल्यूट करती हैं कि उनको भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता देने के लिए डोमिसाइल लॉ बनाया गया। 370 हटने से जो कश्मीरी मानसिकता थी, जम्मू के लोगों में एक भय था कि कश्मीर जागृत केंद्रित जो सरकारें हैं वो सारा का सारा श्रेय कश्मीर में ले जाती हैं, अब वो जो जम्मू का हिस्सा है, जम्मू का जो शेयर है वो जम्मू में लगेगा, जम्मू के लोग उसमें डेवलपमेंट करेंगे। आने वाले दिनों में जितनी भी हमारी वर्चुअल रैली होंगी वो सारी रैली इस तरह डिजिटल और वर्चुअल रैली होंगी, और हम कोशिश करेंगे और लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने आज इतनी बड़ी तादाद में इस रैली